नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश के नंबर वन बुलेटिन न्यूज टॉप नाइन में आपका स्वागत है। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच 11वें दिन भी भीषण जंग जारी है। महायुद्ध में अब क्लस्टर बम और बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल जारी है। युद्ध की विभत्स तस्वीरें सामने आई हैं। जंग से जुड़ी हर बड़ी खबर देखते हैं टॉप नाइन विध्वंसक महायुद्ध में। महायुद्ध की 11वें दिन आर्मेनिया ने अजरबैजान के ठिकानों पर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों से भीषण दावा बोला। आर्मेनिया के इस विध्वंसक हमले में अजरबैजान के ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। अजरबैजान के सैकड़ों सैनिक इस हमले में मारे गए हैं। अजरबैजान ने दावा किया है कि आर्मेनिया ने बाकू में तेल पाइपलाइन पर जोरदार अटैक किया है और ऑयल पाइपलाइन पर 300 क्लस्टर बम गिराए हैं। हालांकि आर्मेनिया ने पाइपलाइन पर अटैक से इनकार कर दिया है, तो जवाब में अजरबैजान ने सबूत के तौर पर क्लस्टर बम की हमले की तस्वीरें जारी की हैं। अजरबैजानी सैनिकों ने आर्मेनिया के एक और ठिकाने पर कब्जे का दावा किया है। सैनिकों ने कब्जा की गई जमीन पर अपना झंडा लगाया है। बाकू टीवी की ओर से जारी इस वीडियो में आसपास के इलाकों को भी दिखाया गया है। अजरबैजान ने एक मैप जारी किया है जिसके मुताबिक उसने 27 सितंबर से अब तक नागोर्नो काराबाख के थर्ड फ्रंट पर 95 किलोमीटर और दक्षिण फ्रंट पर 50 वर्ग किलोमीटर पर अपना कब्जा जमा लिया है। हालांकि संभावना जताई है कि उसने इससे ज्यादा की जमीन आर्मेनिया से छीन ली है। आर्मेनिया अजरबैजान से टक्कर ले रहा है। गांजा, मिंगचेविर, बर्दा, टाटा समेत अजरबैजान के कई प्रमुख शहरों पर मिसाइल और रॉकेट दागे गए। हमले में कई नागरिकों के जान जाने की खबर है। इधर अजरबैजान की तरफ से तुर्की आतंकी मुकाबले में डटे हैं। आर्मेनिया खिलाफ जंग में अजरबैजान के साथ पाकिस्तान और तुर्की के आतंकी दे रहे हैं। इसका सबूत खुद अजरबैजान ने दिए हैं। बिलाजारी बस्ती के दीवारों, सड़कों और गलियों में पाकिस्तान और तुर्की के झंडे की तस्वीरें बनाई गई हैं। युद्ध क्षेत्र से जारी ये ताज़ा वीडियो है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच बर्बादी का खेल जारी है। दोनों तरफ से रॉकेट और ड्रोन हमले जारी हैं। हर तरफ तबाही और खाक में मिली गाड़ियां दिख रही हैं। तो सैनिकों ने भी अब जंग जारी रखी हुई है। अजरबैजान के पकड़े गए सैनिकों के साथ आर्मेनिया क्रूरता की हद पार कर रहा है। अजरबैजान के जवानों की आंखें निकाल ली गई हैं, खाल उधेड़ दी गई। अजरबैजानी सैनिकों के साथ बर्बरता की ये भयानक तस्वीरें हैं। आर्मेनिया अजरबैजान जंग पर सबसे खतरनाक खुलासा हुआ है। अजरबैजान के बाद अब आर्मेनिया सैनिकों की बर्बरता का वीडियो सामने आया है। ये सदी की सबसे विभत्स तस्वीर है। जाहिर है आर्मेनिया अजरबैजान अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की परवाह नहीं करता। आर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध में गेम चेंजर कौन? आर्मेनिया के पास किसका गोला बारूद? ताइवान ने चीन को कैसे दिया करारा जवाब? ग्लोबल युद्ध की आशंकाओं से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप नाइन वर्ल्ड वॉर 3। अजरबैजान को आर्मेनिया ने युद्ध में करारा झटका दिया है। उसका दावा है कि उसने अजरबैजान के 204 यूएवी, 26 हेलीकॉप्टर, 210 आर्म्ड व्हीकल, 3 एयरक्राफ्ट और 5 रॉकेट लॉन्चर उड़ा डाले। 4109 सैनिक और करीब 2000 नागरिकों को भी मार डाला है। अजरबैजान ने भी आर्मेनिया को भारी नुकसान पहुंचाया है। आर्मेनिया को 300 यूएवी, 19 हेलीकॉप्टर, 210 आर्म्ड व्हीकल समेत भारी रॉकेट लॉन्चर तबाह कर दिए गए। 5300 सैनिक और 2000 नागरिक मारे गए। टैंक, तोपखाने और एयर डिफेंस सिस्टम को भी काफी नुकसान पहुंचाया गया है। 11 दिन से जारी भीषण युद्ध के बीच आर्मेनिया के पीएम निकोल पाशिनियन ने कहा है कि वो शांति वार्ता के लिए तैयार हैं। आर्मेनिया ने कहा है कि शांति के लिए दोनों देश एक जैसे कदम उठाएं। आर्मेनिया ने उम्मीद जताई है कि उसकी सुरक्षा को खतरा होने पर रूस मदद के लिए आगे आएगा। अजरबैजान ने ईरान पर आर्मेनिया की मदद करने का आरोप लगाया है। अजरबैजान का कहना है कि जंग में ईरान आर्मेनिया को सैन्य सामग्री मुहैया करा रहा है। अजरबैजान का कहना है कि आर्मेनिया ईरान से मिल रहे गोला बारूद से उसकी सेना को निशाना बना रहा है। अजरबैजान आर्मेनिया युद्ध में दखल देने वाले तुर्की पर रूस और फ्रांस की वार्निंग का कोई असर नहीं हो रहा। तुर्की ने अब आर्मेनिया बॉर्डर के नजदीक अपने तटीय इलाके में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किया है। युद्ध में तुर्की लगातार अजरबैजान की मदद कर रहा है। आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध में जर्मनी की एंट्री हुई है। युद्ध रोकने के लिए जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान से बात की। मार्केल ने अर्दोगान से आर्मेनिया अजरबैजान के बीच शांति की बात बढ़ाने की अपील की। ब्लैक सी में रूसी फाइटर SU-27 ने ब्रिटेन के 4 मिलिट्री एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट किया। रूस के डिफेंस मंत्रालय ने इसका वीडियो जारी किया है। ब्लैक सी में ब्रिटेन के मिलिट्री एयरक्राफ्ट RC-135 दो RAF टाइफून फाइटर्स को इंटरसेप्ट किया गया। दुनिया वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़ी है। इस बीच ईरान को लेकर रूस ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। रूस ने साफ तौर पर कहा है कि ईरान को घातक मिसाइल सिस्टम देने में कोई परेशानी नहीं है। रूस के ऐलान के बाद अमेरिका अलर्ट पर है। ताइवान बॉर्डर पर चाइनीज फाइटर्स की घुसपैठ जारी है, लिहाजा ताइवान ने रेड आर्मी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सॉलिड तैयारी की है। ताइवान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह एक्टिव कर दिया है। अब ताइवान ने चीन में हिमाकत की तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है।
पीओके में चीन पाकिस्तान की नई साजिश क्या है? एलओसी से सटे फॉरवर्ड एयरबेस पर क्यों गए बाजवा? सिंध में हिंदुओं का नरसंहार क्यों? चीन और पाकिस्तान की साजिशों से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 चीन पाक साजिश। चीन और पाकिस्तान का पीओके में बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। लसाडना डोक के पास पाउली पीर में ड्रैगन की मदद से पाकिस्तान नई मिसाइल साइट बना रहा है। ये नया बेस सतह में हवा मार करने वाले मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए होगा। इस सिस्टम का कंट्रोल रूम पीओके के मुख्यालय में होगा। पीओके में पाकिस्तान की नई मिसाइल साइट पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान की सेना के करीब 120 जवान और 25 से 40 नागरिक इस साइट पर काम कर रहे हैं, तो कंट्रोल रूम में 3 अधिकारियों समेत पीएलए के 10 सैनिकों को तैनात करने की तैयारी है। एलओसी पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने जंग की तैयारियां तेज कर दी हैं। तैयारियों का जायजा लेने आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा स्कार्दू पहुंचे। बाजवा ने स्कार्दू में रात गुजारी और सेना की तैयारियों का जायजा लिया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक एलओसी पर पाकिस्तान ने करगिल जंग के बाद सेना की अब तक की सबसे बड़ी तैनाती की है। टोक्यो में हुई क्वाड की बैठक से चीन तलमला गया है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि अमेरिका सिर्फ भौंकता है, काटता नहीं है। चीन का कहना है कि क्वाड देशों की बैठक के बावजूद कोई संयुक्त बयान जारी नहीं किया गया। इस नए प्रोपेगेंडे के जरिए चीन ने क्वाड की मीटिंग को विफल बताया। चीन लगातार युद्ध की तैयारियों में जुटा है। अब चीन ने एलएसी पर घातक तोपों की तैनाती की है। लद्दाख के पास 15,000 फीट ऊंची चोटियों पर इन तोपों को मोर्चे पर लगाया गया है और सैनिकों की तादाद भी बढ़ाई गई है। सैटेलाइट तस्वीरों से चीन की इस बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। समंदर में चीन की हिमाकतों को करारा जवाब देने के लिए इंडियन नेवी को घातक जेट मिल सकता है। अमेरिका की कंपनी बोइंग ने भारत को फाइटर सुपर जेट हॉर्नेट ब्लॉक 3 देने की पेशकश की है। सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 अमेरिकी नेवी का बेहद घातक और सॉलिड फाइटर जेट है। चीन की हिमाकतों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय जवानों को अत्याधुनिक अमेरिकी 6 असॉल्ट राइफलों से लैस किया जाएगा। 72,500 राइफलें फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के तहत खरीदी गई हैं। सूत्रों का कहना है कि सरकार फ्रंट पर तैनात जवानों को सबसे बेहतर हथियार देना चाहती है। पाकिस्तानी सेना की तरफ से बलूचों पर लगातार हमले जारी हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी बीएलए की मीडिया विंग ने एक वीडियो जारी करके इसकी पुष्टि की है। तस्वीर में पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से कई हमले किए गए। पाकिस्तान में हिंदुओं का नरसंहार जारी है। अब सिंध में हथियारबंद इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हिंदू बुजुर्ग की घर में घुसकर हत्या कर दी। बेटी से रेप का विरोध करने पर बुजुर्ग को बेरहमी से मार दिया गया, तो पुलिस ने इंसाफ दिलाने की जगह पीड़ित के परिजनों को ही गिरफ्तार कर लिया। और अब राष्ट्र की खबरें देखेंगे। महीने भर की जेल के बाद रिया को मिली बेल। चीन पर राहुल गांधी का बड़ा दावा और हाथरस कांड में क्या है नया खुलासा? देश की सभी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। एक्ट्रेस सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में महीने भर बाद रिया चक्रवर्ती को बड़ी राहत मिली। बॉम्बे हाई कोर्ट से रिया को जमानत मिल गई, लेकिन उनके भाई शौविक चक्रवर्ती और अब्दुल बासित परिहार की बेल याचिका खारिज कर दी गई। भारत चीन विवाद पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तीखा हमला बोला है और कहा है कि हमारी सरकार होती तो चाइना को 15 मिनट में उठाकर बाहर फेंक देते। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया में एक ही देश है जिसके अंदर दूसरे देश की सेना घुसाई। चाइना में इतना दम नहीं है कि वो भारत में एक कदम भी रखे। सुरक्षा बलों ने सीमा पार से जारी आतंकवाद पर बड़ी सफलता पाई है। शोपियां में 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। जैनापुरा इलाके के सुगान गांव में हुए इस मुठभेड़ के बाद कुछ आतंकियों के होने की खबर है। तलाशी अब भी जारी है। हाथरस केस में एक नया और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सीडीआर रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि आरोपी संदीप और पीड़िता के परिवार में एक नंबर के बीच बातचीत होती थी। ये नंबर पीड़िता के बड़े भाई के नाम पर रजिस्टर है। 6 महीने में दोनों के बीच करीब 100 से ज्यादा बार बातचीत हुई है। हाथरस केस में एसआईटी को जांच के लिए 10 दिन की और मोहलत मिल गई है। इस बीच पीड़ित परिवार का बयान फिर दर्ज किया गया। मृतका के भाई ने जांच के दौरान आई सीडीआर में आरोपी से बातचीत को लेकर अधिकारियों के दावे को गलत बताया है। एसआईटी को उम्मीद है कि मोबाइल सीडीआर से हाथरस केस का राज खुलेगा। इस बीच जांच एजेंसियों ने चारों आरोपियों और उनके परिजनों के मोबाइल की डिटेल निकलवाई है। आरोपी के परिजन लगातार कह रहे हैं कि घटना के वक्त वे वहां मौजूद नहीं थे। कोरोना पीड़ित होने के बाद भी हाथरस केस के पीड़ित परिवार से मुलाकात को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार पर केस दर्ज किया गया है। होम क्वारंटीन होने के बाद कुलदीप दिल्ली से आकर पीड़ित परिवार से मिले। शिवराज सरकार ने मनुभावन टेकरी रेप मर्डर केस की सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी है। परिजनों को इस फैसले के बाद न्याय की उम्मीद जगी है। 30 अप्रैल 2019 को 12 साल की बच्ची बुआ और दोस्तों के साथ घूमने गई थी। अगले दिन उसका शव मिला था। 2 आरोपी जेल में बंद हैं। इसरो इस साल दिसंबर 2020 से पहले अपने नए रॉकेट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SSLV को लॉन्च करने की दिशा में काम कर रहा है। नवंबर में PSLV C-49 की उड़ान के बाद लॉन्च पैड को SSLV के अनुरूप बनाया जाना है। 9 सैटेलाइट्स के साथ उड़ान भरेगा PSLV C-49।
कहां कार पर गिरा कंटेनर। बिहार में चुनावी गहमा गहमी के बीच कहां चली गोली। कोरोना को लेकर आई राहत वाली खबर। राज्यों से जुड़ी सभी अहम खबरें देखते हैं टॉप नाइन राज्य में। दिल्ली के लाजपत नगर में देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। कंटेनर और होंडा सिटी की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक कंटेनर कार के ऊपर गिर गया। कार में सवार दो लोग इवेंट मैनेजमेंट का काम करते थे। गुरुग्राम में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर सुबे गुर्जर के तीन शार्प शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों के पैर में गोली लगी है। इस दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। बदमाशों से हथियार भी जब्त किए गए हैं। पटना में चुनावी सरगर्मी के बीच बेखौफ अपराधियों ने एक कपड़ा व्यवसायी स्वराज को गोली मार दी। पटना सिटी के खाजेकला थाना क्षेत्र के पानी टंकी के पास हुई वारदात में व्यवसायी घायल है। आरोपी अब तक फरार है। अमृतसर में रेल रोको आंदोलन 14वें दिन भी जारी है। किसान रेल पटरी से हटने को तैयार नहीं है। देवीदासपुरा में किसान कृषि कानून को वापस लेने की जिद पर अड़े हैं। नोएडा में एक झोलाछाप महिला डॉक्टर ने गर्भवती महिला और नवजात की जान ले ली। मामला नोएडा के सेक्टर 66 स्थित मामूरा गांव का है। कोतवाली फेज 3 पुलिस ने गीता क्लिनिक के डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ट्रांसजेंडर सौरभ किट्टू भारत की पहली ट्रांसजेंडर बन गई हैं जो 6000 मीटर की वर्जिन पीक तक पहुंची हैं। किट्टू ने 6000 मीटर की ऊंचाई से नारा दिया है, नर नारी के नर एक समान। वर्जिन पीक स्पीति वैली में है जहां का औसतन तापमान -15 डिग्री होता है। दिल्ली में 7 महीने के बाद 15 अक्टूबर से सिनेमा घरों को खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने प्रस्ताव को उपराज्यपाल को मंजूरी के लिए भेज दिया है। केंद्र सरकार ने देश में सिनेमा हॉल थिएटर मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी है। पिछले 7 दिनों में कोरोना के आंकड़े सुकून देने वाले हैं। सितंबर के मुकाबले इस महीने नए केस की संख्या घटी है, ठीक होने की दर भी बढ़ी है। 77% मामले सिर्फ महाराष्ट्र केरल समेत 10 राज्यों में रह गए हैं। सरकार के दावों के बावजूद किसान पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। अंबाला कैथल नेशनल हाईवे पर साधुपुर के गांव की पराली जलाने की तस्वीरें कैद हुई हैं। पराली की वजह से दिल्ली NCR पंजाब और हरियाणा के कई शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ना शुरू हो गया है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर। सपने टूटे आपके न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार। भेजिए अपनी आप बीती lootghar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे फिक्र आपकी